मेरा नाम पास्टर पॉल जोजो है। मैं पेंटेकोस्टल होलीनेस चर्च बागचाटा में प्रभु का सेवा करता हूँ। IPHC नॉर्थ इंडिया ने कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना का आह्वान किया है। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, बाइबल वचन से एक शब्द पढ़ना चाहता हूं। वो है भजन संहिता 121 का 7। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रभु इस बड़े वचन पर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा का जो वादा किया है वो पूरा होने में विलंब नहीं करता। हालांकि पूरा विश्व में कोरोना वायरस और हमारे देश में भी उनका भयभीत हो चला है, परंतु प्रभु आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करेगा। वो प्राण तक की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, प्रभु आपके साथ रहेगा। वो कोरोना वायरस को रोकने का शक्ति भी रखता है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन सारे बीमारियों को हमारे देश से, पूरे विश्व से आज़ाद कर सके। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जगत का सृष्टिकर्ता, और प्यारे परमेश्वर हमारे एक एक जन की देख रेख करने वाला, सारी जाति जाति के ऊपर राज करने वाला परमेश्वर पिता, विश्व के अंदर और हमारे देश के बीच में जो भी कोरोना वायरस फैला हुआ है पिता, उन सारी कोरोना वायरस को प्यारे प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार तू हमारे देश से और विश्व से प्यारे परमेश्वर उनको दूर करने का सक्षम तू रखता है पिता। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। जितने संक्रमित हैं प्यारे परमेश्वर, सारे लोगों के जीवन में तू कार्य कर, और जितने सेवा में लगे हुए सारे डॉक्टर और नर्स, उन सारे लोगों के जीवन में तू बड़ी आशीष दे, बरकत दे, और बुद्धि और ज्ञान से भरिए, ताकि पिता उस सेवा करते हुए पिता परमेश्वर उस महामारी से लोगों को आज़ाद मिल सके। और प्यारे परमेश्वर हम तेरा नाम की महिमा तारीफ कर सके। प्यारे प्रभु तू महान है, हमारे दुआ प्रार्थना को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम तुझे को देते हुए प्रार्थना प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुने और स्वराज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। कल आपके साथ दूसरा पास्टर भी प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, आमीन।